इन छह में से कोई एक जीतेगा, बाकी के पांच क्या करेंगे? क्या वो तांडव करेंगे जैसा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नायरा कर रही है? लेकिन नायरा कोई ऐसा वैसा तांडव नहीं करी, वो तो इसलिए तांडव करी क्योंकि उसने प्रतिज्ञा जो ली हुई है ना कि ओहो अब हम सब बता ही देंगे तो दिखाएंगे क्या। नायरा का तांडव, महाशिवरात्रि पर महाप्रतिज्ञा। भई आज तो नायरा का आक्रोश देखने लायक है। गुस्से में नायरा शिवलिंग के सामने तांडव डांस कर रही है और प्रतिज्ञा ले रही है लवकुश को सजा दिलाकर त्रिशा को इंसाफ दिलाने की। गलती तो की ही है, ऊपर से एक और गलती करने जा रहे हैं। और जब उसे ये बात कंफर्म होती है कि उन्होंने सच में सुसाइड का ड्रामा किया था, तो कि फैमिली उन्हें कोई सजा ना दे सके और सब उनके सपोर्ट में हो जाए, तो उसको और ज्यादा दुख होता है इस बात से। एक तो नायरा के सामने लवकुश का सच आ गया है और दूसरा लवकुश ने फिर से हिमाकत कर दी है त्रिशा को डराने की। उनकी धमकी से डरकर त्रिशा घर छोड़कर चली गई और नायरा ने उसे जाते हुए देख लिया। इससे पहले कि त्रिशा के साथ फिर से कोई हादसा होता, नायरा ने जाकर उसे बचा लिया। जब त्रिशा को लवकुश फिर से उसके पास जाते हैं और उसे फिर से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उसके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करते हैं कि तेरा कोई साथ नहीं देगा, टीना दीदी भी तेरा साथ नहीं देगी, तो तू मतलब तेरा कोई वजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट होके वहाँ से भाग जाती है। और नायरा इस डर में उसके पीछे पीछे जाती है उसे ढूंढने के लिए कि कहीं वो कुछ कर ना ले अपने आप को। मुझे यही लगा था कि जब त्रिशा घर आएगी वापस हॉस्पिटल से, तो दे मस्ट बी लाइक सॉरी या कुछ तो फील करेंगे या बात ही नहीं करेंगे, सीधे बदतमीजी, फिर बदतमीजी। मुझे लग रहा है कुछ तो करना पड़ेगा। डोंट वरी त्रिशा, आपके साथ नायरा है जो इंसाफ के लिए अपने घर वालों से भी लड़ गई। और देखिए कैसे महाशिवरात्रि के मौके पर उन्होंने कार्तिक से सलाह लिए बिना घर पर पुलिस को बुला लिया और लवकुश को गिरफ्तार करवा दिया। हाँ, यहाँ पर जहाँ पूरी फैमिली को बिना बताए, कार्तिक को बिना बताए पुलिस को बुला लिया नायरा ने और उन्हें पुलिस के हवाले कर लिया, तो वहाँ पर यू फाइनली सी द वोल्केनो इरप्ट, यू फाइनली सी देम शाउटिंग। तो ये तो होना ही था क्योंकि कार्तिक को लगता है कि लवकुश को अपने किए पर पछतावा है। इसके बावजूद भी नायरा ने उन्हें जेल भिजवा दिया, इसीलिए वो नायरा पर बरस रहे हैं। सिर्फ कार्तिक ही नहीं, अब तो पूरी फैमिली नायरा के खिलाफ हो गई है। लेकिन नायरा अपने फैसले से टस से मस नहीं होने वाली, वो त्रिशा को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी और कहलाएगी टीवी की दामिनी। श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।